सानू गुरु पातशाह ने जमीना दित्तियां ने दुकाना दित्तियां ने असीं बेच के विदेश जा रहे हैं ते यूपी बिहार के लोग साडियां जमीना भी खरीद रहे हैं साडियां दुकाना भी खरीद रहे कहते सरदारां दे पुत जमीना जायदादां दे मालक इस वक्त साडे पंजाब दे विच उहदे वल आप जी दा ध्यान जिहड़ा है वो दिवाउणा चाहुणा है। खड़ा दा पानी आउंदा नुकसान ना हो जाए क्योंकि असीं प्रबंध नहीं किया कि जिहड़ा बारिश का पानी है वो जमीन के अंदर चला जाए असीं प्रबंध नहीं किए। हड़ां का पानी आउंदा है बारिश हुंदी है मोहरेदार ते असीं उस हड़ां के पानी को अपने आप नूं बचाउण वास्ते ड्रेनां जिहड़ियां ने उह पुट्टियां ने ताकि बारिश का पानी जिहड़ा है वो ड्रेन हो सके और नुकसान ना करे। बजाय इसके कि असीं प्रबंध करदे कि बारिश का पानी जिहड़ा है वो जमीन ते जावे। अज हो की रहा पंजाब की धरती के उत्ते पंजाब की धरती के उत्ते साडा पानी भी ड्रेन हो रहा है और साडा ब्रेन भी ड्रेन हो रहा है। पानी ड्रेन होके किथे जा रहा है वो गंदियां नालियां का रूप रह लिया ते साडा ब्रेन जिहड़ा है वो ड्रेन होके किथे जा रहा है वो विदेशां दे विच जा रहा है। आ सामने देखते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एडिया एडिया जिहड़ियां वड्डियां इमारतां बिल्डिंगां ने स्ट्रक्चर ने पंथ दे सामने है कि साडा सारा ब्रेन जिहड़ा वो ड्रेन हो गया। असीं कहिंदे जी असीं पंजाब दी धरती दे उत्ते सरवाइव नहीं कर पा रहे इस करके असीं बाहर जा रहे जमीना बेच के जा रहे हैं दुकाना बेच के जा रहे। सानू गुरु पातशाह ने जमीना दित्तियां ने दुकाना दित्तियां ने असीं बेच के विदेश जा रहे हैं ते यूपी बिहार के लोग साडियां जमीना भी खरीद रहे हैं साडियां दुकाना भी खरीद रहे। इहदी कमाल दी गल्ल ये जोड़ मेले किने मनाने हैं यूपी बिहार के लोग मनाएंगे जोड़ मेले इतने रहूंगा कौन जैसे कोई ना रहा ये जोड़ मेले कौन मनाऊंगा ये बड़ी चिंता की गल है। ये साडे वड्डे वड्डे स्ट्रक्चर साडे गुरुद्वारे साडियां संस्थावां साडियां संपर्कावां इन्हां नूं कौन सांभूगा इन्हां नूं यूपी बिहार के लोग सांभणगे जे असीं बांधना होए जे ओह लोग यूपी बिहार तों आ के पंजाब दे विच सरवाइव कर सकदे है ते असीं सानू गुरु पातशाह ने जमीना दित्तियां दुकानां दित्तियां असीं सरवाइव नहीं कर सकदे कि साडे बुजुर्गां ने सरवाइव नहीं कीता। पाकिस्तान तों आए एक दवानी दवानी पल्ले नहीं सी इत्थे आ के करोड़ां दे अंपायर खड़े कीते ते गुरु पातशाह ने बख्शां नहीं दित्तियां असीं सरवाइव नहीं कीता। असीं सरवाइव कीता साध संगत अज असीं मंग करदे हां सरकार तों कि जमीन खरीदण दे उत्ते पाबंदी लगनी चाहीदी है फिकर ना करो ये पाबंदी लगूगी पर लगूगी कदों जदों तुसीं सारियां जमीनां बेच के बाहर चले गए ते कहिंदे मन च ख्याल आया वी पंजाब दी जमीन लै के पंजाब च रहिणा ते उदों पाबंदी लगी होगी तुहानूं जमीन नहीं मिलणी तुहानूं घर नहीं मिलणा इत्थे रहिण वास्ते क्योंकि उस वक्त सरकारां ने पाबंदी लगा देनी है जदों तुसीं सारी जमीनां बेच के विदेशां चले गए जदों बाहरले मुल्कां दे विच तुसीं जा के अपने घर बार कायम कर लो। मैं एक बार श्री अकाल तख्त साहब तो कहा सी बच्चा उच्च विद्या हासिल करता है कोई डॉक्टर बनता है इंजीनियर करता है विदेश जाता है मुबारक है पर जे बच्चा उसे जाके लेबर करता है तो ये साढ़े वास्ते सही नहीं। कहते सरदारां दे पुत जमीना जायदादां दे मालक उसे लेबर करने वास्ते असीं भेज रहे हैं मजदूरी करने वास्ते असीं भेज रहे हैं। सानू कुछ सोचना चाहिए बाहरली जगह जाओ तू अपने बच्चों नूं बचाउणा चाहिए अपने बच्चों नूं इस धरती का मोह जिहड़ा है वह पैदा करने के लिए सरहंद लेके आना चाहिए बच्चों नूं दसना चाहिए कि यह वो धरती है जिथे सब जाते ना लालच के विच आए ना डरावे के विच आए उन्होंने धर्म नहीं बदलिया उन्होंने शहादत दे दी ते अज साडे पिंडां पिंडां दे विच चर्चां जिहड़ियां ने वह घुमा घुमोक रहियां ये कमाल की गल है। इस धरती के जिस धरती के उत्ते साहब जाते ने अच शहीद चले गए हो जिस धरती के उत्ते ठंडे बुरज के विच माता गुजर कौर जी ने शहादत दी हो जिस धरती के उत्ते बड़े साहब जाते ने सीने गन्ने गए हो उस धरती के उत्ते क्रिसमस मनाई जाए और सिख मनाओ सिख परिवार पैदा होने वाले मनाओ ईसाई मनाते हैं मुबारक है क्योंकि उन्होंने धर्म है
सानू किसी नाल विरोध नहीं है, किसी नाल बैर नहीं है। क्रिसमस का दिहाड़ा ईसाई मनाते हैं, मनाना चाहिए, उन्हों का त्यौहार है, उन्होंने धर्म है, मुबारक है उन्होंने। पर जो सिख परिवार पैदा हुए हैं, जो उन्होंने बच्चे सेंटा क्लॉज बन के स्कूलों के जाते हैं तो सानू सोचना चाहिए सत्संग। अच्छ साड़िया संस्थाव बर्बादी की कगार उत्ते खड़ गई ने, साड़िया एजुकेशन संस्थाव खास तौर के उत्ते बर्बादी की कगार के उत्ते खड़ गई ने। बच्चे पढ़ नहीं आ रहे उन्होंने संस्थावों के, लेकिन खर्चे बरकरार ने और भोग पैन वाला साड़िया संस्थावान का, और ये सानू रल मिल के जरा है वो हमला मार के ये संस्थावान जीडिया बचा पैनगियां। तो मैं अंत के अपील करना आप सारी संगत को कि इस महान धरती गवायो एक पर्व जरूर करके जाइए कि असी उच्चे होना और असी पंजाब को उच्चा करना है। असी उच्चे होवांगे तो ये पंजाब भी उच्चा होगा, असी नेवे हो गए तो पंजाब को टुकना कोई नहीं बचा सकता। कदे क्या किया जी साडे बजुर्गों ने कि पंजाब की धरती के उत्ते शराब दियां फैक्ट्रियां लगनियां? कदे क्या किया जी साडे बजुर्गों ने कि पंजाब की धरती के उत्ते तंबाकू बीड़ियां सिगरटां शरेआम निकलनियां? पर अज बढ़ रही ने फैक्ट्रियां, अज बिक रहा है बीड़ी तंबाकू। क्यों? क्योंकि इतने खपत हो रही है। ये खपत कौन कर रहे? बीड़ी तंबाकू नहीं करते साढ़े सिख खपत, लेकिन शराब की खपत साढ़े परिवार च हो रही है। तो पंजाब की हिक के उत्ते शराब दी फैक्ट्रियां बढ़ रही है। जे साढ़े परिवार च शराब की खपत ना हो पंजाब की हिक के उत्ते कदे शराब दी फैक्ट्रियां ना होकर जिहड़ियां साडी जमीन नूं भी गंदा कर रही है, साडी सोच नूं भी गंदा कर रही है। बयान दे विच आप सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, और मेरे वालों मेरे साथी मानजोग सिंह साहब कैनी रणवीर सिंह जी जथेदार तख्त श्री केसर साहब वालों उन्हां महान बाबियां साहबजादियां जिन्हां नूं पंथ ने प्रवानगी दित्ती है असीं कोट कोट नमन करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी जुग जुग अटल, लोक परलोक दे राखे, दो जहान दे वाले, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी सात संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी उन्हां महान निकियां जिन्हां वड्डे साकेत है कि जिन्हां नूं इतिहास याद करदा है, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी, ते सत्कारयोग माता माता गुजर कौर जी, जिन्हां ने अज के दिन इस धरती के उत्ते शहीदी दिती, उन्हां दी याद नूं मना रहे। मैं एक गल आप जी नूं कहनी है, बहुता लंबा चौड़ा मैं नहीं बोलना, कि साहिबजादियां नूं इस धरती के उत्ते दीवारां दे विच चढ़ के शहीद किया, ते कुछ साल बाद एक दहाका भी नहीं गुजरिया, कुछ साल बाद इस सरहंद दीआं दीवारां दे विचों बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिख राज पैदा किया। पर वो सिख राज बहुता लंबा समा नहीं चल सके। सवाल पैदा होंदा है कि सरहंद दीआं दीवारां दे विचों निकलिया सिख राज 5-7 साल दे विच ही किवें खत्म हो गया? ते जदों असीं इतिहास पढ़ के देखते हैं, गुरु पातशाह ने राज दिता, पर जो गुरु पातशाह ने देखा कि खालसे दे विच फुट है, खालसे दे विच बेद फाकी है, ते 5-7 सालां च साडा सिख राज जिहड़ा सी उह खत्म हो गया। फिर सिख राज पैदा किया खालसे ने गुरु की कृपा दे नाल, शहीदां दे लहू चों, तेग दी धार चों, अकाल पुरख की रहमत दे नाल, इतफाक दे नाल, प्यार मुहब्बत दे नाल, ते वो साडा सिख राज जिहड़ा सी वो 50 साल चलिया। 50 साल बाद जदों ही महाराजा रणजीत सिंह की मौत हुई तो वो राज जिहड़ा सी वो खत्म हो गया।
नुकसान ना हो जाए क्योंकि असी प्रबंध नहीं किया कि जो बारिश का पानी है वो जमीन के अंदर चला जाए। असी प्रबंध नहीं किए, हड़ां का पानी आ बारिश होंगी है मोहरेदार, असी उस हड़ां के पानी को अपने आप को बचाने वास्ते ड्रेना जिहड़ियां ने वो पुटियां ने ताकि बारिश का पानी जिहड़ा है वो ड्रेन हो सके और नुकसान ना करे। बजाय इसके कि असी प्रबंध करते कि बारिश का पानी जिहड़ा है वो जमीन से जाए। अज हो की रहा पंजाब की धरती के उत्ते, पंजाब की धरती के उत्ते साडा पानी भी ड्रेन हो रहा है और साडा ब्रेन भी ड्रेन हो रहा है। पानी ड्रेन होके किथे जा रहा है? गंदियां नालियां का रूप लै लिया है। ये साडा ब्रेन जिहड़ा है वो ड्रेन होके किथे जा रहा है? वो विदेशों के विच जा रहा है। आ सामने देखते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, एडिया एडिया जड़िया वड्डिया इमारतां बिल्डिंगा ने स्ट्रक्चर ने पंथ दे सामने है कि साडा सारा ब्रेन जिहड़ा वो ड्रेन हो गया। असीं कहिंदे जी असीं पंजाब की धरती के उत्ते सरवाइव नहीं कर पा रहे, इस करके असीं बाहर जा रहे, जमीना बेच के जा रहे हैं, दुकाना बेच के जा रहे हैं। सानू गुरु पातशाह ने जमीना दित्तियां ने, दुकाना दित्तियां ने, असीं बेच के विदेश जा रहे हैं ते यूपी बिहार के लोग साडियां जमीना भी खरीद रहे हैं, साडियां दुकाना भी खरीद रहे हैं। इहदी कमाल दी गल्ल है। ये जोड़ मेले किने मनाने हैं? यूपी बिहार के लोग मनाएंगे जोड़ मेले, इतने रहूंगा कौन? इतने कोई ना रहा ये जोड़ मेले कौन मनाऊंगा? ये बड़ी चिंता की गल है। ये साढ़े वे वे स्ट्रक्चर, साढ़े गुरुद्वारे, साढ़िया संस्थाव, साढ़िया संपदाव, इन्हों कौन सामूगा? इन्हों यूपी बिहार के लोग समझ गए जो असं बांधना हो जो लोग यूपी बिहार तो आके पंजाब के सरवाइव कर सकते हैं तो असी सानू गुरु पातशाह ने जमीना दिखा दुकाना दिखा असी सरवाइव नहीं कर सकते कि साढ़े बुजुर्गों ने सरवाइव नहीं किया? पाकिस्तान तो आए एक दवानी दवानी पले नहीं सी इतने आके कुरान के अंपायर खड़े किए कि गुरु पातशाह ने बख्शा नहीं दिखा असी सरवाइव नहीं किया? असी सरवाइव किया सा संगत। अज असी मंग करते हैं सरकार तो कि जमीन खरीदने के उत्ते पाबंदी लगनी चाहिए है। फिक्र ना करो ये पाबंदी लगेगी, पर लगेगी कदों? जो तुम सारिया जमीन बेच के बाहर चले गए कि मन च ख्याल आया भी पंजाब की जमीन लैके पंजाब से रहना तो उदो पाबंदी लगी होगी, तुम्हें जमीन नहीं मिलने, तुम घर नहीं मिलना इतने रहने वास्ते, क्योंकि उस वक्त सरकार ने पाबंदी लगा देनी है जो तुम सारी जमीन बेच के विदेशों चले गए।